नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत आने वाले सुनाम वाली धर्मशाला बिजली घर के सामने का है, जहां एक व्यक्ति जो कि नशे का आदि बताया जा रहा है, मिर्गी का दौरा आने के कारण नाले में जा गिरा। काफी देर प्रयास करने के बाद भी वो नहीं निकला। नाले में गिरने से उसकी मौत हो गई। जब इसकी सूचना थाना गोवर्धन पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक ओम हरि वाजपेयी एवं क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा ने स्थानीय लोगों की सहायता से शव को नाले से बाहर निकलवाया और मृतक की शिनाख्त करना शुरू कर दिया। मृतक की पहचान राजू सोनी जो कि डीग के पतसारिया मोहल्ले का बताया जा रहा है। करीब 8 साल से वो अपने नशे के आदी होने के कारण गोवर्धन में इधर उधर घूमता फिरता रहता था। इसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। वो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से भीख मांग कर नशा किया करता था। थाना गोवर्धन पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोवर्धन से हमारे संवाददाता अजय सिसोदिया की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।